हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। और आज मैं आपसे रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही हर्बल शैम्पू की, जिसे मैं 1 मंथ से यूज़ करी और मुझे इफ़ेक्टिव लगा, तो मुझे लगा क्यों मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूँ। और ये इमामी ब्रांड का है, और आप गेस करिए, गेस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देन आफ्टर आई विल रिवील कि ये कौन सा ब्रांड है, क्या है। तो ट्रस्ट मी गाइज, इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का है, और मैं अभी वीडियो स्टार्ट किया मैंने, और मैं इसका कलर दिखा रही थी, और मैंने जो है रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी, और फिर मैं हैंड वॉश करके आ गई। तो इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का है, बिल्कुल ऐसा फील होता है कि मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल मिक्स है, तो ये बालों को बहुत स्मूथ और बहुत सॉफ्ट बनाता है। और ये क्लेम करता है कि हेयर फॉल को ये रिड्यूस करता है, तो यस गाइस, ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। अगर आपकी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप प्लीज़ इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करिए। और मेरे तो वैसे भी थोड़े कम हेयर फॉल होते हैं, लेकिन मेरे घर में और लोगों ने भी इसे ट्राई किया और सबने कहा कि नहीं, इफेक्टिव है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम को इसने कुछ हद तक कम किया है। तो चलिए, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती और बताती हूँ कि ये कौन सा शैम्पू। तो ये शैम्पू है केश किंग स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन, स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन एंटी हेयर फॉल शैम्पू, आयुर्वेदिक हेयर फॉल एक्सपर्ट, इमामी ब्रांड का है। पैकेजिंग बहुत क्यूट है, एकदम डार्क ग्रीन कलर, ऐसा लगता है ऑयल की बॉटल है। और गाइज, मैं आपको शेयर कर दूं कि 3 साल पहले मेरे बाल एक टाइम था, मे बी हार्मोनल चेंजेस है, कि बहुत सारे जो है रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, तो किसी रीज़न की वजह से मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे। और तब मैंने केश किंग का हेयर ऑयल यूज़ किया था, वो भी कुछ हद तक इफेक्टिव था, तो उससे मेरे हेयर लॉस की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो गई थी। और अभी मैंने शैम्पू 1 मंथ से इसको ट्राई किया है, और इसमें क्लेम करते हैं कि अप टू 80% लेस हेयर फॉल, सिल्की शाइनी स्मूथ है। तो यस गाइस, ये आपके बालों को एकदम सिल्की शाइनी और स्मूथ बनाता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया भी, ऐसा लगता है कि मैं एलोवेरा जेल को ही अपने बालों में लगा रही हूँ। एलो एंड 21 आयुर्वेदिक हर्ब्स, एलोवेरा के अलावा इसमें 21 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है मिक्स किए गए हैं। स्मेल इसकी मेडिसिन जैसी है, इसमें ज़्यादा परफ्यूम नहीं मिलाया गया है, तो मैं इसमें आपको कहूँगी कि अगर आपको मेडिसिन की स्मेल नहीं पसंद है तो आप ना यूज़ करें, लेकिन हर्ब्स हैं तो स्मेल तो थोड़ी सी नेचुरल रहेगी ही। बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा जो है अल्कोहल और पैराबिन्स नहीं मिलाया गया है। कलर इसका ये आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर रहता है एकदम। मैं फिर से हाथ में नहीं लगाऊंगी, वरना मुझे हैंड वॉश करना होगा, तो इसलिए। और मतलब स्मेल उतनी ख़राब भी नहीं है, बट हाँ, मेडिसिन वाली जो है स्मेल आती है इसमें। तो चलिए, मैं इसको पढ़ लेती हूँ, इसका प्राइस बताती हूँ। 340 ml का ये प्रोडक्ट है, और 200 रुपये में मुझे पढ़ाइए। इस पर लिखा है कि 260 का प्राइस है, बट शायद ऑफर प्राइस में 200 का पड़ा मुझे ये। तो मैंने तो ये बिग बाज़ार से लिया है, मैं गई थी शॉपिंग करने, तो वहाँ मैंने इसका रिव्यू मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, और ये जेन्युइन ब्रांड है। मैंने इसका हेयर ऑयल यूज़ किया हुआ था, तो मैंने इसे ले लिया। अदरवाइज ये हर जगह अवेलेबल है, और शायद आपको उससे कम प्राइस में मिल जाए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट तीनों पर ही अवेलेबल है। चलिए आगे पढ़ लेती हूँ कि इसमें कौन कौन से हर्ब्स मिले हुए हैं। शैम्पू मीडियम विथ 21 हर्ब्स डिलीवर्स अप टू 80% लेस हेयर फॉल, सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर, हेल्दी नरिश्ड स्कैल्प। ओके, डैंडरफ रिड्यूस करने का भी ये दावा करते हैं। डायरेक्शन फॉर यूज है कि अप्लाई टू वेट हेयर, मसाज इन टू स्कैल्प, प्रिंस फॉर बेस्ट रिजल्ट, यूज आफ्टर केश किंग ऑयल। केश किंग ऑयल का भी उन्होंने ऐड दे दिया कि उसके बाद अब यूज़ करो, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, तो अब 10 ml कंटेंट्स, ईच 10 ml कंटेंट्स एक्सट्रैक्ट्स ऑफ घृत कुमारी, एलो, लोधरा एंड सभी आयुर्वेदिक नाम है जो कि बहुत टफ है, हरितकी, विभीतिका, टर्मिनालिया, शिकाकाई, ब्रंगराज, ब्राह्मी, हिना, केसर, मेथी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के मुझे लगा ना कि सच में गाइस, सिट्रस, लेमन ऑयल, तुलसी ऑयल, बेसिलिकम, लेमन ऑयल, रोजमेरी ऑयल,
कलर ब्रिलियंट फ्रूट नाइस यू नो कि इस पूरे इंग्रेडिएंट्स में मुझे कहीं भी अल्कोहल पैराबीन या किसी भी परफ्यूम की नाम नहीं मिले। जो भी मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिए जो मैं क्लियरली बोल भी नहीं पा रही थी उन सब के मैंने नाम सुने हैं कि बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं मतलब अपनी दादी नानी इन्हीं सभी से सुना हुआ है मम्मा से भी सुना है वो भी घृत कुमारी शिखा काई इन सब के बारे में तो मैंने काफ़ी सुना हुआ है। घृत कुमारी यू नो एलोवेरा जेल को ही हिंदी या संस्कृत में कहते हैं और जटा मानसी और जो भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे ही बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ये सारे आपको एक साथ मिल जा रहे हैं और बजट फ्रेंडली भी है। तो गाइस मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मुझे 60% ऑफ पे पड़ा है 200 का बट मैं मुझे प्राइस एक्जैक्टली नहीं पता कि ऑनलाइन आपको कितने का मिलेगा बट मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है आप यूज़ करना चाहते हैं एक अच्छा शैम्पू तो इट्स माई रिकमेंडेशन टू ऑल यू गाइज़ और एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसा लग रहा है यूजिंग दिस शैम्पू। तो गाइज़ क्योंकि जो भी क्लेम करता है इसको फुलफ़िल करता है इसलिए मैं इसे थम्स अप दूंगी और मैं उसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ जो मैं यूज़ कर लेती हूँ मुझे लगता है कि नहीं ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। यू नो अच्छी चीज़ें सबके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि यू नो आजकल हम इतने केमिकल यूज़ करें तो उससे बेटर है कि हर्बल शैम्पू अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लें और ख़ुद आप फर्क महसूस करेंगे। और गाइज़ प्लीज़ अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में शेयर किया करिए ताकि मेरे और व्यूवर्स जो हैं वो भी इंस्पायर होके और एक हर्बल ब्रांड की वो स्किप कर सकें। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है उनकी चॉइसेस है मैं आपको फोर्स नहीं करूँ कि आप ये शैम्पू यूज़ करें मैं सिर्फ इसका रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मुझे ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा आगे आपकी चॉइस है आपको यूज़ करना है या नहीं। सो गाइज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।